औरंगाबाद जिले के देवथाना पुलिस को आज बड़ी उपलब्धि मिली है। देवथाना अध्यक्ष राजगृह प्रसाद के नेतृत्व में देवथाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए देव के चांदपुर गांव में रामध्यान चौधरी और शिवध्यान चौधरी के घर छापामारी करते हुए घर से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, दो खाली मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस के साथ दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अनुसार देव थाना कर्ण संख्या 2024 दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। 24 के शाम के संध्या 7 बजे थाना अध्यक्ष देव को ये सूचना मिली कि देव थाना के ग्राम चांदपुर के में रामध्यान पांडे तथा शिवध्यान पांडे के घर पर अवैध हथियार गोली रखे हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक हेतु देव थाना के द्वारा एक टीम गठन किया गया। टीम के इनके थाना के अंश पदाधिकारी एवं एसटीएफ को शामिल करके रामध्यान शिवध्यान के घर पर छापेमारी किया गया। छापेमारी क्रम में रामध्यान के घर से एक देसी कट्टा, एक सिल्वर रंग का पिस्तौल, 2 मैगजीन, 15 जिंदा गोली बरामद किया गया है। और इसके साथ ही रामध्यान पांडे को गिरफ्तार किया गया। इनके भाई शिवध्यान पांडे भागने में सफल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। क्या किसी घटना का अंजाम देने जा रहे थे? हाँ, ये कोई बड़ी घटना पहले से भी लोग अपराधी इतिहास है, पहले से भी इन लोगों के विरुद्ध में 6 कांड देव थाना में दर्ज है। विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामले में दर्ज है, अन्य धाराओं में दर्ज है। ये एक अपराधी संयंत्र के तो कोई बड़ा घटना करने के लिए हथियार गोली अपने घर में रखे हुए थे।